सभी जने हेडिंग डालेंगे टॉपिक है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लिखें these are those expenditures these are those expenditures which are incurred incurred in one accounting period in one accounting period and benefit of these expenditures benefit of these expenditures are obtained benefit of these expenditures are obtained in multiple years in future multiple years in future। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये ऐसे खर्चे होते हैं जो आपने एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में इनकर्ड कर दिए हैं, लेकिन ये खर्चे जो हैं उनका नेचर क्या होता है, रेवेन्यू नेचर होगा। यानी रेवेन्यू नेचर के ऐसे खर्चे जो आपने इसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कर दिए, लेकिन इनका जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो फ्यूचर के कई सालों तक मिलेगा। इसीलिए इन खर्चों को क्या बोला जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। लिखें दीज एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू इन नेचर। Are revenue in nature, but business derive benefits. Business derive benefits. For a period of more than 1 year, these expense. Should be deferred
these expenses should be deferred over the period of benefit, over the period of benefit and charged against profit over that period. ध्यान से सुनिएगा, ये expenses जो हैं उनका benefit चूंकि हमें एक साल से ज्यादा समय के लिए मिलता है, तो हम जितने समय तक इसका benefit मानते हैं कि हमें मान लीजिए 3 सालों तक या 4 सालों तक हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, तो हम ओवर दैट पीरियड हम क्या करते हैं, हम उसे राइट ऑफ कर देते हैं अगेंस्ट द पीएनएल अकाउंट. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सबसे पहले हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की, सुनना मेरी बात ध्यान से. हैवी एडवर्टाइजमेंट क्या है, हमने अपने प्रोडक्ट को लेकर एक एडवर्टाइजमेंट कर दिया. अब उस एडवर्टाइजमेंट का खर्चा तो हमने इसी साल किया, लेकिन उस हैवी एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमारी जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो रेवेन्यू 3 से 5 साल तक जनरेट होगी या फ्यूचर के कुछ सालों तक जनरेट होगी. तो अकाउंटिंग में एक आस्पेक्ट चला कि भाई आपने ये खर्चा जो आज किया इसका बेनिफिट आप फ्यूचर के कई इयर्स तक लोगे, तो क्यों ना आप इन खर्चों को के कुछ हिस्से को डेफर करें और डेफर कर फ्यूचर में उसे क्या करें, राइट ऑफ करें. इसीलिए इन खर्चों को क्या बोला गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला गया. यूजुअली these expenses must be written off over a period of 3 to 5 years. जनरली इन खर्चों का बेनिफिट एक अजम्पशन पर बेस्ड है कि 3 से लेकर 5 सालों तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, हालांकि देखिएगा ये कोई रूल नहीं है कि आपको 3 सालों में करना है, 4 में या 5 में. एक जनरल प्रैक्टिस रूल है मार्केट का कि हम ये मानते हैं कि ऐसे रेवेन्यू नेचर के खर्चे जिनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, जिनको कि हम डेफर करना चाह रहे हैं, तो इनका डेफरमेंट पीरियड नॉर्मली 3 से 5 साल होता है. बताइए क्लियर है सारा पॉइंट. लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी एज पर द न्यू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. देखिएगा ये तो मैंने आपको पूरी डेफिनेशन बता दी. नाउ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ अमेंडमेंट लाया गया. हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं, क्या आपने कभी नाम सुना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? बताइए. तो
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के रह गया पीछे, ये लो लिख लो फटाफट से सर। हाँ जी सर, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के और कोई एग्जांपल है क्या? डेफर्ड रेवेन्यू के और भी कई होते हैं, जैसे देखो एक तो आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया, एक हैवी रिपेयर हो गई। कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई ऐसी रिपेयर करवाई जिसकी वजह से अब हमारी वो असेट जो है ना वो प्रिजर्व हो गई और उसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, फ्यूचर के कई सालों तक मिलता है। यस सर। और बताता हूं, जैसे आपने कोई रिसर्च करवाई, तो आपने रिसर्च करवाई, अब रिसर्च का बेनिफिट आपको एक साल तो मिलेगा नहीं, आपने कुछ पैसा खर्च किया, डोर टू डोर सर्वे करवाया अपने प्रोडक्ट के लिए, तो रिसर्च का वो जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो कब तक मिलेगा आपको? यस सर, कई सालों तक मिलेगा। तो कई ऐसे खर्चे होते हैं जो बेसिकली रेवेन्यू नेचर के होते हैं, बट उनका बेनिफिट हम ये मानते हैं कि 2-3 सालों तक मिलता है, इसलिए अकाउंटिंग ये कहती है कि इनको डेफर करो और एक साल मत राइट ऑफ करो ओवर द पीरियड। बट एक समस्या आई जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंट्रोड्यूस किया गया, इसने क्या बोला वो सुनना। यस सर, देयर विल बी डेफरमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस दीज मस्ट बी रिटर्न ऑफ in the same period in which they are incurred. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यानी AS जिनको हम बोलते हैं, वहां एक पैरा इंट्रोड्यूस किया गया और उस वजह से आपके जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च एक्सपेंडिचर है, दीज आर ऑल ट्रांसफर्ड टू द P&L अकाउंट इन द सेम ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। आप भले ही अभी अपनी अकाउंटिंग में ये एक एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं डेफर्ड रेवेन्यू, बट इन द प्रेजेंट सिनेरियो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब आपका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, आपका रिपेयर का खर्चा, आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये जितने भी खर्चे जो आपके डेफर्ड रेवेन्यू की कैटेगरी में आते थे AS 26 के एप्लीकेशन की वजह से, अब इनको आपको उसी साल के P&L में क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है जिस पर्टिकुलर ईयर में आपने उनको इनकर्ड किया है। रिसर्च एक्सपेंसेस, तो ये एक समस्या आती है कि आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वो किस व्यू पॉइंट से आ रहा है। अगर वो नॉर्मल अकाउंटिंग में व्यू पॉइंट से बोलूं तब तो इसका मतलब ये हो गया कि वो डेफर्ड रेवेन्यू है और आपको उनका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, आपको भी यही लेना है कि इन खर्चों को अकॉर्डिंगली आपको क्या मानना है, डेफर्ड। इसीलिए मैंने इसको रेड इंक से लिखा है आपको, कि ये आपकी नॉलेज के लिए आपको ध्यान रहना चाहिए कि अब ऐसा नहीं होगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, देखो क्या होता है,
आप जब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने से पहले आपको कई तरह के खर्चे करने पड़ते हैं। उन खर्चों को हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बेसिकली रिसर्च एक्सपेंस इज अ पार्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जैसे मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं, आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं, आप कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस प्रिंट करवाओगे, आप कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनवाओगे, आप जब शेयर्स इशू करते हो तो उसको इशू करने के खर्चे होंगे। ये सारे खर्चे कंपनी के स्टार्ट होने से पहले होते हैं। इन सभी खर्चों को हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी आप एक तरह से ये कह सकते हो स्टार्टअप के खर्चे, कि आप उस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो, उसको स्टार्ट करने के लिए आपको जो खर्चे करने पड़ते हैं उन खर्चों को हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक है, तो ये आपके पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, विच इज फॉर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। मैंने आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया जरा एक बार अपन समराइज कर देते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। आओ समरी, देखो इसमें आपने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले आपने सीखा कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, फिर आपने सीखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, फिर आपने सीखा कैपिटल रिसीट्स, फिर आपने सीखा रेवेन्यू रिसीट्स, फिर आपने सीखा कैपिटल लॉस, कैपिटल प्रॉफिट। फिर आपने ये दो चीजें सीखी कि कैपिटल लॉस क्या होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट आपके क्या होते हैं। फिर आपने सीखा रेवेन्यू लॉस और रेवेन्यू प्रॉफिट। इन सब की डेफिनेशन और इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा आपने ये सीखा। एंड लास्ट वन जो आपने सीखा दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। ये आपका पूरा समरी था। इन सब की डेफिनेशन आपने पढ़ी, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे इसके रूल पढ़े। तो कुल मिलाकर ये सारे टॉपिक आपके इस चैप्टर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कवर होते हैं। आइएगा अब जरा मैं आपको ले चलता हूं आपके स्टडी मटेरियल की तरफ। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्या इनके लिए अब आप रेडी हैं। बिल्कुल, मैंने आपको शीट में ये वाले क्वेश्चन नहीं दिए स्टडी मटेरियल के अभी तक। आओ सुनना ध्यान से, इसने क्या बोला है। एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर व्हेन, कोई भी खर्चा कैपिटल नेचर कब माना जाएगा। पहला, द रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट फॉर द परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी जो रिसीवर है क्या
उसके लिए वो खर्चा है, रिसीवर के लिए तो ये खर्चा हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई असेट आपसे खरीदी तो रिसीवर आप हो, तो रिसीवर नहीं पेयर के लिए खर्चा होना चाहिए। इट इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ फिक्स असेट, वो खर्चा जिसकी वजह से फिक्स असेट की क्वांटिटी इंक्रीज हो। इट इज पेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द बिजनेस और इट इज मेंटेन अ फिक्स असेट। बताइए कौन सा खर्चा है जो कैपिटल नेचर की कैटेगरी में आता है? वेरी गुड, द आंसर इज बी, जिसकी वजह से आपकी क्वांटिटी ऑफ फिक्स असेट इंक्रीज होगी वो आपका आंसर बनेगा। वेरी गुड, आइएगा सेकेंड क्वेश्चन। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां रिकॉर्ड किया जाता है? अकाउंटिंग समझाई थी मैंने आपको, बैलेंस शीट। तो द राइट आंसर इज ए, बैलेंस शीट। आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज ऑफ कैपिटल नेचर, इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन कैपिटल नेचर का है? परचेज ऑफ अ ट्रक, रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रक, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग अ ट्रक और ऑल ऑफ द अबव? सर डी। डी क्यों? रिपेयरिंग का खर्चा परचेज ऑफ ट्रक कैपिटल नेचर है, बिल्कुल, और रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक भी कैपिटल ही है। देखिए एक्चुअली में रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक, समझना, हाँ बिल्कुल, अगर आप किसी ओल्ड ट्रक को रिप्लेस करते हो तो वो आपका क्या बनेगा? कैपिटल नेचर। अब ये रिपेयरिंग ऑफ द ट्रक की समस्या आ गई। अब रिपेयरिंग ऑफ द ट्रक दोनों नेचर के होते हैं। अगर आप एक, मैंने आपको बताया था, अगर आप एक सेकेंड हैंड खरीदते हो और फिर उस पर रिपेयर करवाते हो तो वो कैपिटलाइज होगा, लेकिन अगर एक नॉर्मल रिपेयर है तो वो आपका कहां जाएगा? अब यहां पर प्रॉब्लम ये हो गई कि आपके पास ऑल ऑफ द अबव तो बन नहीं सकता। अब इनमें से सबसे नियरेस्ट कैपिटल नेचर कौन सा बोलोगे आप, जो सबसे हाई? बिल्कुल, तो अब हम इसके बेस्ट आंसर पर जाएंगे, यानी ए। मेरी बात को फिर सुनना, वैसे तो आंसर ए और बी दोनों हो सकते हैं। रिपेयरिंग तब होता जब वो क्या बोलता, हमने एक सेकेंड हैंड ट्रक पर रिपेयर कॉस्ट करवाई है ताकि वो उसकी वर्किंग कंडीशन में आ जाए। बट अच्छा, अब एक और चीज मैं बताता हूं, कैपिटल नेचर में ओल्ड ट्रक के रिप्लेसमेंट में एक्चुअली में कई बार क्या होता है कि मैंने एक ट्रक दिया और दूसरा ट्रक ले लिया तो मेरे पास से कोई खर्चा नहीं हुआ। आप समझ रहे हो रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने एक ट्रक दिया और दूसरा ट्रक ले लिया, बेसिकली दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। लेकिन ये परचेज ऑफ अ ट्रक प्योरली कैपिटल नेचर का खर्चा है आपका। तो द आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ए। फोर्थ, आपने 5,000 रुपए लगाए कंप्यूटर को अपग्रेड करने में, तो बताओ ये कौन सा खर्चा है? ए, कैपिटल नेचर, बिल्कुल ठीक है। आप जानते हो अगर कंप्यूटर को अपग्रेड करोगे तो अब आपको इसका क्या मिलेगा, बेनिफिट, अपग्रेडेशन का बेनिफिट। एक असेट क्रिएट हुई है आपकी तो इट विल बी कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब, एक क्लब को एंट्रेंस फीस मिली है, बताओ क्या मानी जाएगी है? हर्षिता बोल रही है ए, कैपिटल रिसीट, बिल्कुल ठीक है। रेवेन्यू नहीं होती है, एंट्रेंस फीस केवल एक बार लगती है जब आप उस क्लब को ज्वाइन करते हो, तो दैट विल ऑलवेज बी इन द नेचर ऑफ कैपिटल। अगर आपके पास एनुअल मेंबरशिप फीस होती तो वो आपकी रेवेन्यू हो सकती थी, लेकिन किसी भी क्लब में जो एंट्रेंस फीस आपकी लगेगी वो एक ही बार लगेगी आपकी, इसलिए वो कैपिटल रिसीट है। लाइफ मेंबरशिप फीस, सर कैपिटल, कैपिटल, क्योंकि ये भी लाइफ मेंबरशिप फीस वन टाइम फीस होगी,
तो ये आपके पास हो गया इसका आंसर डी। डी, वेरी गुड। दो तीन ही बच्चे आंसर दे रहे हैं भाई, बाकियों ने अभी पढ़ा नहीं इसको। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इज एन एग्जांपल ऑफ। आपने गुड्स खरीदा है ताकि आप उसको आगे बेच पाओ, ये एग्जांपल किसका? रेवेन्यू। बिल्कुल ठीक, ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, बिल्कुल ठीक। बताइए किसी को कोई भी क्वेरी है इन सातों क्वेश्चन में, या क्लियर है बिल्कुल? आगे बढ़ते हैं। एट्थ, इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड। आपने एक रॉ मटेरियल खरीदा है और उस पर टैक्सेस यानी इंपोर्ट ड्यूटी पे की है, वेरी गुड। ए यानी रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है। सर इंपोर्ट ड्यूटी तो अपन एक ही बार देते ना? क्या चीज नहीं सर, इंपोर्ट आप ड्यूटी जितनी बार रॉ मटेरियल खरीदोगे हर बार लगेगी ना, एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल पर एक बार लगेगी। लेकिन आप अगर मान लो आपने पहली बार इंपोर्ट किया तो ड्यूटी लगी, दूसरी बार इंपोर्ट करोगे तब भी तो लगेगी। ये पर्टिकुलरली इस रेवेन्यू नेचर के आइटम के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अपन, आप मुझे बताओ रॉ मटेरियल आप बार बार खरीदते हो या एक ही बार खरीदते हो? सर बार बार खरीदते हैं। रॉ मटेरियल अगर आप रेगुलर बेसिस पर खरीदते हो तो ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। और इसको अपने यहाँ तक लाने के लिए आपको एक इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ी, तो वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल यस सर। हाँ आइए नेक्स्ट। रिसीव्ड फ्रॉम सोलोमन एंड कंपनी एन इनवॉइस ऑफ ₹1500 टू रिपेयर द फैक्ट्री वॉल। आपने एक रिपेयर करवाई है दीवार की और उसके लिए आपको ₹1500 का बिल मिला है, तो बताओ ये बिल किस तरह का खर्चा है? सर रेवेन्यू। रेवेन्यू, मोहित आप बोल रहे हो डी, नन ऑफ दीज। क्यों? खर्चा तो हुआ है ना ₹1500 का रिपेयर का। सर ये कैपिटल से हुआ? नहीं, कैपिटल कैसे होगा? ये फैक्ट्री वॉल है, दीवार को आपने रिपेयर करवाया, इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? ये तो नॉर्मल रिपेयर हुई ना, कि फैक्ट्री अर्निंग तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन सर ये तो एक ही बार खर्चा होगा ना दीवार का। नहीं नहीं आप समझे नहीं, एक ही बार कैसे होगा, ये एक नॉर्मल रिपेयर मतलब है। सर सालों तक तो एक ही बार हो गया ना सर, अगर एक दो साल तक बेनिफिट कहाँ मिला? खर्चा एक ही बार हुआ, मुझे एक बात बताओ, लेकिन इससे बेनिफिट कहाँ मिला आपको? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर तक मिले, ठीक है? अब बेनिफिट का मतलब क्या है, आप लोग बेनिफिट के मतलब को अलग ले जाते हो। आप बोलते हो बेनिफिट का मतलब हो गया कि खर्चा नहीं करना पड़ेगा, नहीं, बेनिफिट इन द सेंस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी होना चाहिए। तो आपने ये जो वॉल रिपेयर करवाई है, क्या आपको लगता है ये मेंटेन करने के लिए करवाई है आपने केवल? बताओ क्या ये मेंटेन ऑफ फिक्स्ड एसेट है या इंक्रीज ऑफ फिक्स्ड एसेट है? मेंटेन। तो मेंटेन करने का खर्चा कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकता। ऐसे तो मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपने पेंट करवाया, तो पेंट भी सालों तक एक ही बार करवाओगे, तो क्या उसको कैपिटल नेचर मानेंगे अपन? नो सर। समझ रहे हो मेरी बात को? पेंट करवा रहे हैं उस असेट को मेंटेन। मैंने आपको एक रूल लिखवाया था कि अगर मेंटेन ऑफ फिक्स असेट का खर्चा है जिसकी वजह से अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, तो वो रेवेन्यू नेचर ही आएगा, ठीक है? ओके सर। आ जाओ। कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर द कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। गवर्नमेंट ने आपकी लैंड को कंपलसरी एक्वायर कर लिया, बी कैसे भाई?
सही, नन ऑफ दीज हो गया ना। बिल्कुल डी होगा इसका, क्योंकि ये आपकी कैपिटल रिसीट है, एक्सपेंडिचर नहीं है, रिसीव्ड हुआ है हर्षित। दैट इज नॉट एक्सपेंडिचर, दैट इज कैपिटल रिसीट। तो इनमें से कोई नहीं, तो आंसर बना डी। हाँ ये ध्यान रखना है, अभी तो सॉरी हो गया, एग्जाम में तो गड़बड़ हो जाएगी, एक ही मौका मिलता है एग्जाम में। आ जाओ, ऑल रेवेन्यू रिसीट्स एंड ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन बी। सभी रेवेन्यू खर्चे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां दिखाए जाते हैं? बी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। बताइए, आपने कोई बैड डेट्स का अमाउंट रिकवर किया है, आपने एक खर्चा बैड डेट्स के रूप में लिख दिया था, अब आपको बैड डेट्स की रिकवरी हो गई है, कौन सा है इसमें से? सर रेवेन्यू रिसिप्ट। बिल्कुल ठीक, रेवेन्यू रिसीट। पहले तो ये देखो, रिकवरी हुई है तो ये आपकी रिसीट्स बना, बोलो एग्री। अब अगर ये रिसीट्स बना तो अब दो ही तरह की रिसीट्स पड़ी हैं, कैपिटल और रेवेन्यू, तो ये कोई कैपिटल रिसीट नहीं है। बैड डेट्स रिकवरी इज, अब क्यों हुई? अब जैसे यहां पर भी दिमाग में आता है, सर बैड डेट्स की रिकवरी बार बार थोड़ी होगी हमें, बट फिर वही बात, कैपिटल रिसीट्स बैड डेट्स का जो आइटम है वो आपका एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। तो इस रेवेन्यू एक्सपेंस के अगेंस्ट में अब आपको रिकवरी हो रही है, तो दैट विल ऑलवेज बी ड्यू टू द मैचिंग प्रिंसिपल, हम इसे क्या मानेंगे, रेवेन्यू रिकवर या रेवेन्यू रिसीट्स मानेंगे। आइए और आगे बढ़ते हैं। बताओ, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड कंप्लीटली बाय द फायर, आपकी एक मशीन आग से नष्ट हो गई, इस वजह से आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला, एक कैपिटल असेट के रेस्पेक्ट में आपको रिकवरी हुई है, क्या मानोगे? कैपिटल रिसीव्ड, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, यहीं पर मशीन की जगह अगर रॉ मटेरियल होता तो क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीप्ट, क्योंकि एक रॉ रेवेन्यू नेचर के बदले में हुई है, इसलिए कैसे रेवेन्यू बोलोगे, या इंश्योरेंस क्लेम फिर भी कैपिटल रिसीट बनेगा रॉ मटेरियल के बेसिस पर। रॉ मटेरियल के बेसिस पर आओ, आपने 5,000 रुपए लॉयर को दिए हैं आपकी फर्म की फैक्ट्री साइट के रेस्पेक्ट में, बताओ लीगल चार्जेस पे हुए हैं ये, आपने केस किया, नॉर्मल लीगल चार्जेस हैं, बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसे लीगल चार्जेस जो असेट को एक्वायर करते समय किए जाएंगे वो कैपिटलाइज होंगे, बट आपके पास वो असेट है, अब केवल उसकी ओनरशिप के रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, एक केस के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे हो। मतलब क्या हुआ, आपने एक लैंड खरीदी, सामने वाले ने इसके अगेंस्ट केस कर दिया आपके ऊपर कि भैया ये लैंड आप कैसे ले रहे हो, ये तो मेरी है। अब आपने अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक लॉयर अपॉइंट किया जो कि आपसे फीस ले रहा है, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। इससे आपकी कोई असेट नहीं बढ़ रही है, आप केवल अपने आप को डिफेंड कर रहे हो ताकि आप उस फैक्ट्री साइट की ओनरशिप को मेंटेन कर पाओ, तो दीज आर कॉल्ड रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। एक कैपिटल असेट को खरीदने के लिए आपने अपने डायरेक्टर को एब्रॉड भेजा और उसकी ट्रेवलिंग पर 10,000 रुपए खर्च किए,
कैपिटल असेट को खरीदने के लिए भेजा, बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर, ए यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। फिर इसी तरह से आपके मॉड्यूल में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं। फिर ट्रू और फॉल्स भी दे रखे हैं। फिर मैच द फॉलोइंग दे रखा है। आपके ऑब्जेक्टिव में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं पैटर्न के, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग। बताओ क्या बाकी क्या आप करना चाहोगे एक बार होमवर्क में? तो ये आपका होमवर्क बन गया। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स के सारे, ट्रू और फॉल्स के सारे और मैच द फॉलोइंग के सारे, ताकि आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। हाँ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, कोई इंटरेस्टिंग बड़ा चैप्टर ले लेंगे अपन। ये तो मैंने थोड़ा सा थ्योरी के पर्पज से लिया था। क्योंकि इसकी यूनिट में तो बाकी तो जर्नल एंट्रीज, कैश बुक वगैरह है, वो लेटर ऑन भी हम कर सकते हैं। देखते हैं कौन सा लेंगे, अभी देखा सोचा नहीं।